हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नियुक्ति की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का नगर परिषद में हंगामा। बाड़मेर गत 14 जुलाई को नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई थी और बाड़मेर सहित बलोतरा के सफाई कर्मी इस लॉटरी प्रक्रिया में चयनित किए गए थे। कई बार वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन कर इस भर्ती प्रक्रिया पर धांधली का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। चयनित सफाई कर्मियों को दस्तावेज सत्यापन करवाने की बात की गई थी। दस्तावेज सत्यापन के बाद भी चयनित सफाई कर्मियों को नियुक्ति नहीं मिलने के कारण चयनित सफाई कर्मियों में रोष व्याप्त है। मामले को लेकर सफाई कर्मियों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति की मांग की है और मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति के लिए आश्वस्त भी किया था, लेकिन सफाई कर्मियों को नियुक्ति नहीं मिली। नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित सफाई कर्मी महिला पुरुष नगर परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद सभापति, आयुक्त और बाड़मेर जिला कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर परिषद आयुक्त को आड़े हाथों लेना शुरू किया। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने नगर परिषद आयुक्त पर गुस्सा निकालते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। इस दौरान नगर परिषद के आयुक्त पंकज मंगल ने कहा कि सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया की पत्रावलियां जिला कलेक्टर के पास है, जो अभी नगर परिषद नहीं पहुंची है, इसलिए नियुक्ति नहीं दी गई। बिना नियुक्ति जयपुर में मुख्यमंत्री की जन संवाद में जाने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मामले को लेकर जब पत्रकारों ने आयुक्त से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, इस बारे में जिला कलेक्टर से बात करिए। मामले को लेकर सफाई कर्मी जिला कलेक्टर आवास पहुंचे, लेकिन जिला कलेक्टर नहीं मिले, जिसके बाद सफाई कर्मी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सफाई कर्मियों ने बाड़मेर डीएम राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर चयनित सफाई कर्मियों को नियुक्ति दिलवाने की मांग की। बाड़मेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने सफाई कर्मियों की मांग के लिए उन्हें आश्वस्त किया। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।